नेहा कक्कर सोनी टेलीविजन के शो इंडियन आइडल की जज है और उनका वो अतरंगी व्यवहार यानी कि किसी भी बात पर इमोशनल हो जाना और आंखों से आंसुओं का बह जाना वो काफी ज्यादा चर्चित रहता है। लेकिन जब इस सीजन की शुरुआत हुई थी तो नेहा ने कहा था कि मैं ये प्रण लेती हूँ कि इस सीजन में मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नेहा कक्कर एक बार फिर से इमोशनल हो गई है। दरअसल पवनदीप की आवाज और उनके गाने में नेहा इतनी खो गई कि वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। दरअसल तपोवन में जो भी घटना घटित हुई उसमें पवनदीप का एक दोस्त जो कि सेना में शामिल था वो भी लापता है और अपनी दोस्त की मदद के लिए पवनदीप ने एक बेहद ही खूबसूरत गाना गाया जिसको सुनकर नेहा कक्कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और वो पवनदीप के इस गाने से रिलेट कर गई और उनकी आंखों से आंसू बहते नजर आए। जहाँ पर हिमेश रेशमिया ने भी उनकी काफी तारीफ की कि पवनदीप आपकी आवाज में वो जादू है कि आप कोई भी गाना गाएं आप एक अलग सा नशा और जादू बिखेर देते हैं हर जगह। पवनदीप ने फिल्म हमारी अधूरी कहानी का टाइटल सॉन्ग गाया था जो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत रहा।